हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 8 का सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 4, टेल मी व्हाई। हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना, इसकी एक्टिविटी 1, 2 और 3 करी थी। आज हम इसकी क्या करेंगे, एक्टिविटी 4 करेंगे। देखो ए में क्या दे रखा है, रीड द पैराग्राफ। हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा है, उसे पढ़ना है। कार्तिक केम फ्रॉम स्कूल, ही वॉज हैप्पी। अब कार्तिक कहाँ से, यहाँ पे एक आपको स्टोरी दे रखी है, पैराग्राफ दे रखा है, वो क्या है, भूतकाल में, यानी कि पास्ट टेंस में। हमेशा आपको पता है कि चाहे कोई स्टोरी हो या कोई पैराग्राफ हो, हम अगर किसी को बताते तो हमेशा पास्ट टेंस में जाते, यानी कि भूतकाल में जाते। तो देखो यहाँ पे जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं, यहाँ पे देखो केम है, तो यहाँ पे नॉर्मल का कम की स्पेलिंग क्या होती है, COM है, बट यहाँ पे CAM है, क्योंकि ये क्या हो गया, पास्ट टेंस में चला गया। जैसे कि केम है, वॉज है, हैड, ये सारे क्या है, पास्ट टेंस के वर्ड्स है, यानी कि वो अपने भूतकाल के बारे में बता रहा है। तो देखो स्टोरी देखो, पैराग्राफ देखो, कार्तिक केम फ्रॉम द स्कूल, यानी कि कार्तिक कहाँ से आया था, स्कूल से आया था। ही वॉज हैप्पी, वो बहुत ही खुश था। ही हैड अ ट्रॉफी इन हिज हैंड, उसके हाथ में क्या थी, ट्रॉफी थी। अब देखो उसको ट्रॉफी कहाँ से मिली, क्यों मिली, वो हम आगे देखते। ही गॉट इट फ्रॉम स्कूल, उसे वो कहाँ से मिली थी, अपनी स्कूल से मिली थी। देयर वॉज अ साइंस फेयर एट स्कूल, वहां स्कूल में क्या था, साइंस फेयर का मतलब होता है विज्ञान मेला, तो स्कूल में क्या था, विज्ञान मेला था, तो उसमें वहां पे उसको क्या मिली थी, ही वॉन द ट्रॉफी, यानी कि वहां पे उसने क्या जीता था, ट्रॉफी जीती थी। He was the best speaker at the district level elocution competition based on science theme. तो देखो बच्चों, डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि जिला स्तर की जो कंपटीशन था, इलेक्यूशन कंपटीशन यानी कि पात्रता स्पर्धा, तो उसमें जो किस पे, किसके बेस पे थी, साइंस थीम के बेस पे थी, तो उसपे क्या, उसमें क्या किया था, कार्तिक ने पार्ट लिया था, उसमें भाग लिया था, और वो उसका बेस्ट स्पीकर था, तो उसकी वजह से उसे ट्रॉफी जीती थी उसने। तो देखो, ही वॉज द बेस्ट स्पीकर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इलेक्यूशन कॉम्पिटिशन बेस्ड ऑन साइंस थीम, यानी कि साइंस थीम के बेस पे जो इलेक्यूशन कॉम्पिटिशन हुआ था डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उसमें कार्तिक जो था वो बेस्ट स्पीकर था। ही शोड हिज ट्रॉफी टू हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी कि माता पिता, तो उसने वो ट्रॉफी किससे दिखाई थी, अपने पेरेंट्स को दिखाई थी। जैसे कि आप भी कहीं भी स्कूल में जीत के आओ या फिर कुछ भी करो, तो आप जल्दी से जाके किसे बताओ, अपने पेरेंट्स को वो बात बताते हो कि मैंने यहाँ पे ये कॉम्पिटिशन जीता है। अपनी खुशी किसके साथ शेयर करते हो, अपने पेरेंट्स के साथ। दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, तो उसके पेरेंट्स ने उसे क्या किया था, बधाई विश करी थी, यानी कि कॉन्ग्रेचुलेट किया था। His grandfather was proud of him because Kartik got first prize. उसके grandfather यानी कि उसके दादाजी उस पर क्या फील कर रहे थे, प्राउड फील, यानी कि गर्व महसूस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कार्तिक ने फर्स्ट प्राइज जीता था, कहाँ पे, स्कूल में। कार्तिक सिस्टर वॉज हैप्पी बिकॉज सी वॉज श्योर अबाउट सेलिब्रेशन पार्टी, कार्तिक की जो बहन थी वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसे पता था कि आज उसका भाई कॉम्पिटिशन जीत के आया, तो घर पे क्या होगी, सेलिब्रेशन पार्टी होगी, तो इस वजह से उसकी बहन बहुत ही खुश थी। अब देखो बच्चों, आपको यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, नाउ रीड एंड अंडरस्टैंड द टेबल, अब हमें इसे क्या करना है, देखना है और समझना है। तो यहाँ पे एक्शंस दे रखे, यानी कि उसने क्या किया था, और रीजन का मतलब होता है कारण, तो उसका क्या कारण था, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स एक्शंस वर्ड्स दे रखे, सेंटेंस दे रखे सॉरी, और यहाँ पे रीजन सेंटेंस दे रखे, तो हम इसे पढ़ते और समझते। कार्तिक वॉज हैप्पी, कार्तिक खुश था, क्यों, क्योंकि ही वॉन द ट्रॉफी। रीजन क्या था, उसका कारण क्या था, खुशी का कारण क्या था, बिकॉज ही वॉन द ट्रॉफी, उसने क्या जीता था, ट्रॉफी जीती थी, इस वजह से वो बहुत खुश था। कार्तिक वॉन द ट्रॉफी, अब कार्तिक ने ट्रॉफी जीती, तो किस वजह से उसे ट्रॉफी मिली थी, किस रीजन से मिली थी, बिकॉज ही वॉज द बेस्ट स्पीकर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इलेक्यूशन कॉम्पिटिशन, यानी कि उस कॉम्पिटिशन का वो बेस्ट स्पीकर था। अब देखो थर्ड देखो, हिज पेरेंट्स कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, तो ये क्या हुआ, एक्शन हुआ, उसके पेरेंट्स ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। क्यों किया होगा उसे कॉन्ग्रेचुलेट, क्योंकि उसने क्या जीता था, ही वॉन द ट्रॉफी, उसने ट्रॉफी जीती थी। कार्तिक सिस्टर वॉज हैप्पी, कार्तिक की सिस्टर बहुत खुश थी, क्यों खुश थी, क्योंकि उसे पता था ना कि आज उसका भाई कॉम्पिटिशन जीत के आया, तो उसके घर पे क्या होगी, पार्टी होगी, तो इसका रीजन क्या आएगा, सी वॉज श्योर अबाउट सेलिब्रेशन पार्टी, वो किसके लिए खुश थी, सेलिब्रेशन पार्टी के लिए, तो ये रीजन था।
कार्तिक ग्रैंडफादर वाज प्राउड ऑफ हिम। कार्तिक के दादाजी उसके ऊपर प्राउड फील कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कार्तिक गॉट फर्स्ट प्राइज, क्योंकि कार्तिक को अपने स्कूल में क्या मिला था, फर्स्ट प्राइज मिला था। तो देखो आपको समझ में आए, ये एक्शन सेंटेंस है और ये उसके रीजन दे रखे, ये रीजन है यहाँ पे, ये एक्शंस दे रखे उसके, ये रीजन है। तो आपको इसका क्या करना है, एक सेंटेंस बनाना। अब किस तरह से सेंटेंस बनाओगे, देखो कार्तिक वॉज हैप्पी, तो बीच में क्या लगाओगे, बिकॉज, बिकॉज ही वॉन द ट्रॉफी। तो इसका पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, कार्तिक वॉज हैप्पी बिकॉज ही वॉन द ट्रॉफी। तो ये पूरा एक सेंटेंस बन गया। जब भी कारण होता है तो हम बीच में बिकॉज का वर्ड लगाते, तो आपको क्या करना है यहाँ पे सब जगह बिकॉज वर्ड लगा के आपको पूरा एक सेंटेंस बनाना है इसका, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों अब हम एक्टिविटी 4 का भी करेंगे, रीड द स्टोरी। अब हमें यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है, उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टोरी का नाम क्या है, द फर्स्ट फ्रूट, यानी कि पहला फ्रूट। वन मॉर्निंग अ किंग वेंट ऑन हॉर्स बैक टू द कंट्री साइड, यानी कि एक दिन सुबह राजा कहाँ गया था, घोड़े पे बैठ के कंट्री साइड घूमने गया था, यानी कि राज्य के आसपास घूमने गया था। ही केम टू द विलेज एंड सो एन ओल्ड मैन इन अ फील्ड। द ओल्ड मैन वॉज डिडिंग द अर्थ एंड प्लांटिंग मैंगो सैपलिंग, ही वॉज वर्किंग वेरी हार्ड। तो वो कहाँ आया था, विलेज, ही केम टू द विलेज यानी कि गाँव में आया था। ही शो एन ओल्ड मैन इन अ फील्ड, फील्ड यानी कि खेत, उसने वहाँ पे क्या देखा, एक ओल्ड मैन यानी कि बूढ़े आदमी को देखा था। द ओल्ड मैन वॉज डिडिंग द अर्थ एंड प्लांटिंग मैंगो सैपलिंग, डिडिंग यानी कि खुदाई। तो ओल्ड मैन क्या कर रहा था, वहाँ पे जमीन में खुदाई कर रहा था, एंड प्लांटिंग मैंगो सैपलिंग, और क्या कर रहा था, मैंगो सैपलिंग यानी कि पौधा, पेड़ आम के पौधे को वहाँ पे प्लांट कर रहा था, प्लांटिंग यानी कि उसका रोपण कर रहा था। ही वॉज वर्किंग वेरी हार्ड, वो बहुत ही मेहनत से काम कर रहा था। किंग सेड, किंग ने क्या बोला, गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड, वाई आर यू प्लांटिंग दिस सैपलिंग, यानी किंग ने क्या बोला, गुड मॉर्निंग, तुम यहाँ पे ये क्यों लगा रहे हो, यानी कि ये सैपलिंग यानी कि ये पौधा यहाँ पे क्यों लगा रहे हो। तो ओल्ड मैन ने क्या कहा, दिस सैपलिंग विल बी बिग ट्रीज इन, सॉरी दिस सैपलिंग विल बी बिग ट्रीज इन 10 or 15 years, दे विल बियर फ्रूट देन। तो ओल्ड मैन ने क्या कहा कि ये पौधे 10-15 साल में बड़े हो जाएंगे और फिर क्या देंगे, फ्रूट देंगे उसके बाद। देन किंग सेड, बट यू आर ओल्ड एंड वीक, सो विल डाई इन फ्यू डेज, यू विल नॉट ईट देयर फ्रूट। तो किंग ने क्या कहा कि आप क्या हो, वीक और ओल्ड यानी कि बहुत ही कमज़ोर और बूढ़े हो चुके हो, आप थोड़े दिन में डाई यानी कि मर जाओगे, थोड़े दिन में मर जाओगे, तो फिर आप तो इसके फ्रूट नहीं खा पाओगे। ओल्ड मैन सेड, यू आर राइट, आई विल नॉट ईट द फ्रूट, बट आई एम डूइंग दिस टूडे बिकॉज अदर्स विल ईट इट एंड देयर फॉर आई एम हैप्पी। तो ओल्ड मैन ने क्या कहा कि आप सही कह रहे हो, मैं ये फ्रूट नहीं खा पाऊँगा, बट आई एम डूइंग दिस, क्योंकि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाद में क्या करें, बाकी लोग ये खा सके, उससे मुझे क्या होगी, खुशी मिलेगी, देयर फॉर आई एम हैप्पी, यानी कि उससे मुझे खुशी होगी। तो देखो बच्चों, इस बूढ़े आदमी ने कितनी अच्छी बात करी ना, उसने अपने बारे में नहीं सोचा, बाकी लोगों के बारे में सोचा कि वो काम करेगा उससे क्या होगा, बाकी लोग तो एटलीस्ट खा पाएंगे, वो चाहे वो खा पाए या ना खा पाए, लेकिन बाकी लोग तो ये आम खा पाएंगे, ठीक है। तो किंग ने क्या बोला, आई एम प्लीज्ड विथ यू ओल्ड मैन, यू लव पीपल, देयर फॉर यू आर अ गुड मैन, प्लीज टेक दिस बैग ऑफ मनी बिकॉज आई लव योर वर्क एंड थॉट्स। तो अब किंग ने क्या बोला, आई एम प्लीज्ड यानी कि खुश होना, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ हूँ क्योंकि तुम लोगों के बारे में सोचते हो, उनसे प्यार करते हो, उनके अपने बारे में ना सोच के बाकी लोगों के बारे में सोचते हो, इसलिए तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तो प्लीज़ ये बैग, ये पैसों का बैग ले लो, आई लव योर वर्क एंड थॉट्स, मुझे तुम्हारा काम और तुम्हारी सोच बहुत ही अच्छी लगी। तो ओल्ड मैन ने क्या कहा, थैंक यू सर, दिस बैग ऑफ मनी इज़ फर्स्ट फ्रूट ऑफ माई लिटल ट्रीज। तो उसने क्या कहा कि थैंक यू सर, मुझे
ये पैसों का बैग मेरे छोटे से पेड़ के पहला फ्रूट है, फर्स्ट फ्रूट है। अब आपको समझ में आया फर्स्ट फ्रूट का मतलब क्या था ये? तो उस ओल्ड मैन को पैसों का बैग क्यों मिला? क्योंकि उसने अपने बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में सोचा। जब आप लोग दूसरों के बारे में सोचते हो तो आपके साथ भी हमेशा अच्छा ही होता है, आपके साथ कभी बुरा नहीं होता। तो हमेशा दूसरों के बारे में सोचा करो, दूसरों की भलाई के बारे में सोचा करो, ठीक है? देखो बच्चों, आपके पीछे के पेज में यहाँ पे एक और टेबल दे, जैसे हमने वो पहले टेबल किया था ना रीज़न वाला और एक्शन वाला, वैसे ही आपको एक और टेबल दे रखा है। आपको यहाँ पे ब्लैंक जगह दे रखी होगी, उसे क्या करना है? फील करना है। तो यहाँ पे एक्शंस दे रखे और रीज़न दे रखे, तो उसे क्या करना है? जिनके एक्शन दे रखे उनके हमें रीज़न लिखने, और जिनके रीज़न दे रखे उनके क्या करने? एक्शंस लिखने। और ये किसके बेस पे है? जो हमने अभी स्टोरी पढ़ी थी ना उसके बेस पे। रीड द स्टोरी एंड कम्प्लीट द टेबल, यानी कि स्टोरी पढ़ो और ये टेबल कम्प्लीट करो। तो देखो एक्शन क्या है, द ओल्ड मैन वॉज डीडिंग द अर्थ। डीडिंग मैंने बताया था ना खुदाई, तो ओल्ड मैन डीडिंग द अर्थ यानी कि वो जमीन में खुदाई क्यों कर रहा था? तो क्यों कर रहा था वो जमीन में खुदाई? क्योंकि उसे वहाँ पे क्या प्लांट करना था? मैंगो सैपलिंग, यानी कि मैंगो का पौधा प्लांट करना था। तो रीजन क्या आएगा? बिकॉज ही वॉज प्लांटिंग मैंगो सैपलिंग। अब देखो दूसरा एक्शन देखते, द किंग वॉज प्लेस्ड विथ एन ओल्ड मैन। तो किंग उस बूढ़े इंसान से खुश हुआ था। तो रीज़न क्या आएगा क्यों खुश हुआ था? बिकॉज ही लव्ड पीपल, क्योंकि वो बूढ़ा इंसान लोगों के बारे में सोचता था, लोगों को पसंद करता था इसलिए। तो देखो बच्चों, ये आपको एक्शंस दे रखे थे जिसके हमने रीज़न देखे। अब नीचे जो है वहाँ पे क्या दे रखा है? आपको रीजंस दे रखे, तो रीजन से हमें क्या करना है? एक्शंस लिखने इसके। अब देखो रीज़न क्या है, ही वॉज गुड मैन एंड ही वर्क फॉर अदर्स। तो ये क्या है? वो क्या था? वो बहुत ही अच्छा इंसान था और वो दूसरों के लिए काम करता था। तो ये आपको रीज़न दे रखा है, तो इसका एक्शन क्या होगा? द किंग गेव हिम अ बैग ऑफ मनी, यानी कि किंग ने उसे क्या दिया था? पैसों का बैग दिया था। तो क्यों दिया था? क्योंकि वो अच्छा इंसान था और वो लोगों के लिए काम करता था। तो ये उसका क्या हुआ? रीज़न, और ये हुआ उसका एक्शन हुआ। अब देखो दूसरा रीज़न देखते हैं, ही वॉन्टेड अदर्स टू गेट फ्रूट। वो चाहता था कि लोगों को फ्रूट्स मिले। तो ये हुआ रीज़न, तो इसका एक्शन क्या आएगा? वो ये रीज़न हुआ, तो वो क्या कर रहा था ऐसा काम जिसकी वजह से ये उसका रीज़न बना कि वो दूसरों को फ्रूट देना चाहता था? तो वो क्या काम कर रहा था उसके लिए? द ओल्ड मैन वॉज प्लांटिंग मैंगो सैपलिंग। क्या कर रहा था ओल्ड मैन? मैंगो सैपलिंग यानी कि आम के पौधों को प्लांट कर रहा था। तो इसका रीज़न क्या बनेगा? बिकॉज ही वॉन्टेड अदर्स टू गेट फ्रूट। तो ये देखो अब ये आपको एक्शंस मिल गए सारे और ये रीजंस मिल गए। तो बीच में जैसे हमने पहले वाले टेबल में बिकॉज लगा के हमने पूरा सेंटेंस बनाया था, तो इसमें भी क्या करोगे आप? बिकॉज लगा के पूरा सेंटेंस बनाओगे। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, पहला द ओल्ड मैन वॉज डिडिंग द अर्थ बिकॉज ही वॉज प्लांटिंग मैंगो सैपलिंग। तो ये क्या हो गया? पहला पूरा सेंटेंस बन गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है? चारों के चार सेंटेंस बनाने इसके, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी क्या हुई? एक्टिविटी 4 खत्म हुई। चलो बच्चों अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 5। ए रीड एंड नो, पढ़ो और जानो। तो इसमें क्या है, टॉपिक क्या है? साइंस एंड अवर लाइफ। साइंस यानी कि विज्ञान और हमारी लाइफ, तो इसके बारे में हम अब इसमें पढ़ेंगे। टुडे इज 28 फरवरी। आज क्या है? 28 फरवरी है। इट इज वर्ल्ड साइंस डे। ये क्या है? वर्ल्ड साइंस डे है। There is science exhibition in Kartik school. आज क्या है? Science exhibition है। कहाँ पे? कार्तिक की स्कूल में। तो science exhibition यानी कि science प्रदर्शन है, यानी कि वहाँ पे science की कुछ चीज़ें दिखाने वाले। The math science club of the school is in charge of the exhibition, यानी कि math science के जो club के school के जो club है वो क्या है? Exhibition के in charge, यानी कि उन्होंने इस चीज़ की इन चीज़ की जिम्मेदारी ली है, यानी कि साइंस एग्जीबिशन के देख रेख की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैथ साइंस क्लब के बच्चों के पास है।
कार्तिक विजिट द साइंस एग्जीबिशन विथ हिज मम्मी, यानी कार्तिक अपने साइंस एग्जीबिशन में किसके साथ जाने वाला था, विजिट यानी कि जाने वाला था अपनी मम्मी के साथ। तो देखो, कार्तिक सेड मम्मी हरी अप, यानी कि मम्मी जल्दी करो। मम्मी सेड आर वी लेट फॉर योर साइंस एग्जीबिशन, क्या हम तुम्हारे साइंस एग्जीबिशन के लिए लेट हो रहे हैं। देन कार्तिक सेड येस बिकॉज इट्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड ऑल्सो फॉर यू। तो उसने क्या बोला कि हाँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए, ऑल्सो फॉर यू यानी कि आपके लिए भी। तो मम्मी फॉर मी ऐसे क्वेश्चन मार्क पूछा, यानी कि क्वेश्चन पूछा फॉर मी यानी मेरे लिए। तो कार्तिक ने क्या बोला, येस फॉर यू टू, हाँ आपके लिए भी। तो मम्मी ने क्या बोला, ओके वी हैव ऑलरेडी रीच्ड योर स्कूल। तो मम्मी ने क्या बोला कि हम तुम्हारे स्कूल पहुंच ही गए, ऑलरेडी रीच्ड यानी कि पहुंच ही गए। तो कार्तिक ने क्या बोला, वाओ ऑल पेरेंट्स हैव कम, व्हाट एन एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल, कम मम्मी। तो कार्तिक ने क्या बोला कि सारे पेरेंट्स आ चुके हैं और स्कूल का एटमॉस्फेयर भी बहुत ही अच्छा है, कम मम्मी, मम्मी आओ। तो मम्मी ने क्या बोला, टेक इट ईजी यानी कि आराम से। Now they are at the entrance. तो देखो एंट्रेंस यानी कि प्रवेश द्वार, वो जहाँ पे आप एंट्री करते हो ना, जहाँ से अंदर जाते हो, तो वो कहाँ पे थे, एंट्रेंस यानी कि प्रवेश द्वार पे थे। तो अब कार्तिक क्या बोल रहा है, लुक हेयर आर द थ्री सेक्शन, यहाँ पे क्या है, तीन सेक्शन है, कौन से, एनवायरमेंट, हेल्थ प्लस एंड एग्रीकल्चर। तो देखो कौन से तीन सेक्शन थे, एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य प्लस और एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। तो ये तीन सेक्शन थे वहाँ पे। मम्मी वेयर शैल वी गो फर्स्ट, यानी कि हम पहले कहाँ जाए। तो कार्तिक ने क्या बोला, टू द एग्रीकल्चर सेक्शन, कहाँ पे जाए, एग्रीकल्चर सेक्शन में जाते। तो मम्मी ने क्या बोला, वाई मतलब क्यों। तो कार्तिक ने क्या बोला, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन इट, यानी मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे वहाँ जाना है। देन वी विल गो टू द सेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड आफ्टर दैट वी विल विजिट द हेल्थ सेक्शन, लेट्स गो। तो उसने क्या बोला कि अब उसके बाद किस में जाएंगे, हम एनवायरमेंट सेक्शन में जाएंगे और उसके बाद जाएंगे हेल्थ सेक्शन में। तो मम्मी ने क्या बोला, ओके कार्तिक, हेलो प्राची, व्हाट इज योर प्रोजेक्ट अबाउट। तो कार्तिक ने प्राची से क्या पूछा कि तुम्हारा प्रोजेक्ट किस बारे में है, उसके बारे में कुछ बताओ। प्राची सेड, हेलो कार्तिक, हेलो आंटी, माय प्रोजेक्ट इज ऑन द टेरेस गार्डनिंग एंड हाइड्रोपोनिक्स मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। तो क्या बोला प्राची ने कि मेरा प्रोजेक्ट किस पे है, टेरेस गार्डनिंग यानी कि जो आपने देखा होगा, टेरेस गार्डनिंग यानी कि जमीन नहीं होती जिस पे छत पे हम बगीचा बनाते, छत या फिर हमारे आगे आंगन होगा उस पे हम बगीचा बनाते, एंड हाइड्रोपोनिक्स मेथड ऑन एग्रीकल्चर यानी कि जमीन बिना की कृषि यानी खेती जिसमें सिर्फ पानी का यूज करके हम खेती कर सकते। तो कार्तिक ने क्या पूछा, व्हाट इज दैट यानी वो क्या होता है। तो प्राची सेड, नाउ डेज बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन वी हैव नो इनफ स्पेस टू ग्रो ट्रीज और प्लांट्स। अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, यानी शहर बढ़ रहे हैं ना, आप लोग देख रहे हो पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं, अपनी फ्लैट्स और बिल्डिंग्स बना रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पेड़ और पौधों की संख्या कम हो जा रही है और शहर बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या बोला है प्राची ने, नाउ डेज बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन के कारण हमारे पास पेड़ और पौधों को उगाने के लिए जगह नहीं बची है, देयरफॉर वी शुड यूज टेरेस फॉर गार्डनिंग। इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, टेरेस यानी कि छत यूज करनी पड़ेगी गार्डनिंग के लिए। एंड फॉर दैट हाइड्रोपोनिक्स मेथड ऑफ गार्डनिंग, और उसके लिए हमें कौन सी मेथड यूज़ करनी पड़ेगी, हाइड्रोपोनिक्स की। हाइड्रोपोनिक, अब देखो छत पे तो नीचे जमीन, पेड़ पौधे किससे उगते, जमीन पे ही उगेंगे, उसके लिए मिट्टी चाहिए होती है, लेकिन टेरेस पे तो नहीं होगी ना मिट्टी। तो उसके लिए हमें कौन सी मेथड यूज़ करनी पड़ेगी, हाइड्रोपोनिक्स की, जिसमें क्या होता है आप लोग बिना मिट्टी के पेड़ उगा सकते हो। अब वो किस तरह से, आगे देखते चलो। इन दिस मेथड वी हैव टू मेक लेयर ऑफ स्टोन ऑन प्लास्टिक ऑन द टेरेस। इन दिस मेथड मतलब इस मेथड में हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक
लेयर, यानी कि हमें किसकी लेयर बना, प्लास्टिक के ऊपर किसकी लेयर बनानी, स्टोन्स यानी कि पत्थर की लेयर बनानी, एक परत बनानी है पत्थर की। विथ देयर हेल्प प्लांट कैन स्टैंड, तो उसकी मदद से क्या होगा, प्लांट्स यानी पौधे क्या कर पाएंगे, खड़े रह पाएंगे, सही से खड़े रह पाएंगे। आफ्टर दैट प्लांट्स विल बी प्लांटेड एट अप्रोप्रिएटेड डिस्टेंस, उसके बाद क्या करना है हमें, पौधों को अलग डिस्टेंस में जगह, मतलब थोड़ी थोड़ी जगह रख के उन्हें प्लांट करना है, उन्हें वहाँ पे लगाना है पौधों को। एंड देन गिव देम वाटर, उसके बाद हमें क्या करना है, वहाँ पे क्या देना है, उनको पानी देना है। वी कैन ऑल्सो यूज PVC पाइप्स, हम उसके लिए कौन सी PVC पाइप्स का भी यूज कर सकते। बाय हाइड्रोपोनिक्स मेथड वी कैन ग्रो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, यानी हाइड्रोपोनिक्स मेथड से हम क्या उगा सकते, वेजिटेबल्स यानी कि साग सब्जी और फ्रूट्स उगा सकते। तो बच्चों ये आपको क्या बताया, हाइड्रोपोनिक्स मेथड के बारे में बताया कि किस तरह से हम बिना जमीन का यूज़ करें, यानी कि बिना मिट्टी का यूज़ करें, हम पेड़ पौधों को उगा सकते हैं। तो आपको समझ में आया हाइड्रोपोनिक्स मेथड क्या होती है, तो चलो आगे देखते हैं। कार्तिक सेड इट्स रियली अ वंडरफुल आइडिया, थैंक यू प्राची। तो कार्तिक ने क्या बोला, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, तो उसने फिर उसे प्राची को थैंक यू बोला, बिकॉज उसने क्या किया था, उसे हाइड्रोपोनिक्स मेथड के बारे में समझाया था। मम्मी या थैंक यू प्राची, कार्तिक वी विल मेक इट ऑन अवर टेरेस। फिर मम्मी ने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, अपने टेरेस पे भी ये मेथड यूज़ करेंगे, इसका ट्राई करेंगे। कार्तिक श्योर मम्मी, लेट्स गो टू द एनवायरमेंट सेक्शन। अब हम कहाँ जाते, एनवायरमेंट सेक्शन की तरफ जाते। इतने टाइम वो कौन से सेक्शन में थे, यस एग्रीकल्चर सेक्शन में थे। तो मम्मी ने क्या बोला, ओके दे आर एट अनदर साइंस प्रोजेक्ट। तो वो किसकी तरफ गए, दूसरे साइंस प्रोजेक्ट की तरफ गए। वसंत हे कार्तिक, हेलो आंटी। कार्तिक हे व्हाट इज योर प्रोजेक्ट अबाउट। तो कार्तिक ने क्या बोला, तो कि तुम्हारा प्रोजेक्ट किस बारे में है। तो वसंत ने क्या बोला, द प्रोजेक्ट टाइटल इज बाम्बू एंड बनाना आर द बेस्ट। बाम्बू और बनाना यानी कि केले बेस्ट होते। रियली बाम्बू इज वंडरफुल प्लांट बिकॉज देर आर मैनी यूजेज ऑफ इट। तो उसने क्या बोला, सचमुच बाम्बू बहुत ही अच्छा पौधा प्लांट है, बिकॉज उसके बहुत सारे यूजेज है, उसे हम बहुत अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। द बाम्बू इज वेरी स्ट्रांग देर फॉर इट इज यूज टू बिल्ड द ब्रिज। यानी कि बाम्बू बहुत ही स्ट्रांग यानी मजबूत होता है, तो उसे हम किस में यूज़ कर सकते, ब्रिज बनाने में, ब्रिज यानी कि पुल बनाने में उसे उसका यूज़ कर सकते हैं। वी कैन मेक मैनी थिंग्स लाइक फेंसेज, फिशिंग रोड्स, राफ्ट्स, बास्केट्स, फर्नीचर एक्सेट्रा। तो हम उससे बाम्बू से ये सारी चीज़ें बना सकते, जैसे कि फेंसेज, बार्स, फिर ये फिशिंग रोड्स यानी कि मछली पकड़ने की लकड़ा, इस तरह से हम फर्नीचर एक्सेट्रा हम इससे बना सकते। अ प्लांट में ग्रो 80 feet और इवन मोर, यानी कि प्लांट कितना लंबा हो सकता है, 80 feet और उससे भी ज़्यादा हो सकता है, यानी कि वो बाम्बू की ऊंचाई इतनी लंबी हो सकती है। समटाइम इट शूट्स अप 3 feet इन अ सिंगल डे। कभी कभी तो प्लांट, वो जो बाम्बू होता है, वो एक दिन में 3 feet तक ऊपर चला जाता है, इतनी लंबाई उसकी हो जाती है, बढ़ जाता है वो। देखो बच्चों आपको दिख रहा है, ये बाम्बू से ये देखो ब्रिज बनाया हुआ, ये बास्केट से, ये सारी चीजें इन्होंने बाम्बू से यूज करके फिर बनाई हुई है। कार्तिक इट्स वंडरफुल। मम्मी हाउ इज म्यूजिक प्रोस्यूड ऑन अ फ्लूट। तो देखो फ्लूट्स यानी कि बांसुरी। तो मम्मी ने क्या पूछा कि उसमें से, बांसुरी में से म्यूजिक कैसे प्रोड्यूस होता है, यानी कि कैसे उत्पन्न होता है। सेड इट्स मैजिक द बाम्बू हैज जॉइंट ऑल द वे अप द स्टेम। द स्टेम इज होलो बिटवीन द जॉइंट सो दैट वी कैन प्ले अ फ्लूट।
सी दिस पिक्चर। तो वसंत ने क्या बोला कि ये एक जादू है। तो बाम्बू में क्या होता है, ऊपर तक क्या होता है, जॉइंट्स होते हैं, यानी कि वो जुड़े हुए होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो बीच में जो जगह होती है वहाँ पे क्या होता है, वो खाली होता है। तो उसकी वजह से क्या बनता है, बांसुरी में से आवाज़ प्ले होती है, यानी कि बजती है। सी दिस पिक्चर यानी कि वो पिक्चर देखो, आपको यहाँ पे बाम्बू दिख रहा है और इसमें देखो ये जगह दिख रही है, बीच में होलो यानी कि ये खाली है, और इसकी वजह से हमें यहाँ से क्या बज, हम इसमें से क्या बजा सकते, आवाज़ प्ले कर सकते, यानी कि म्यूजिक प्ले कर सकते, बजा सकते इसमें से म्यूजिक। कार्तिक, व्हाट अबाउट द बनाना ट्री। कार्तिक ने क्या बोला कि अब बनाना ट्री यानी कि केले के पेड़ के बारे में क्या है। तो वसंत ने क्या बोला, यस बनाना ट्री इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। बनाना ट्री भी क्या है, हमारे बहुत ही उपयोगी है, बिकॉज इट्स लीव्स फ्लावर्स ट्रंक्स एंड फाइबर आर इम्पॉर्टेंट। तो क्या, बिकॉज उसके लीव्स यानी कि पत्ते, फूल, थर्ड और उसके रेसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते, बहुत ही उपयोगी होते हैं। बनाना लीव्स आर लार्ज, फ्लेक्सिबल एंड वाटर प्रूफ, यानी बनाना के केले के पत्ते जो होते वो बहुत ही बड़े, आप लोगों ने देखे ना कितने बड़े बड़े होते हैं उसके पत्ते, तो उसके पत्ते बहुत ही बड़े, फ्लेक्सिबल और वाटर प्रूफ होते। सो दे आर यूज एज अ फूड कंटेनर और प्लेट। तो उससे क्या होता है, उससे हम क्या कर सकते हैं, उसे फूड कंटेनर और प्लेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसमें खाना रख के हम उसे खा सकते। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन मेकिंग कप्स, पेपर्स एंड डिशेज। उससे हम क्या बना सकते, कप्स, पेपर और डिश भी बना सकते, किससे, बनाना लीव से। आपको पता है ना केरल में लोग ज़्यादातर बनाना लीव्स पे खाना खाते, तो वो उसको हम डिश की तरह यूज़ कर सकते। मम्मी रियली यूजफुल, आई हैव हियर दैट वी कैन मेक साड़ी फ्रॉम बनाना, इज इट ट्रू। तो मम्मी ने क्या बोला कि मैंने क्या सुना है, बनाना से क्या बनाते, साड़ी भी बनाते, तो क्या ये सच है। तो वसंत ने क्या बोला, यस इट इज राइट, नेपालीज गिव्स रफ मटेरियल टू रग मार्क एन इंस्टीट्यूट विच स्टैंड फॉर चाइल्ड लेबर। तो वसंत ने क्या बोला, हाँ ये सच है, जो नेपालीज होते हैं वो क्या करते हैं, रफ मटेरियल यानी कि कच्चा माल जो होता है उसे किसे देते, टू गिव रग मार्क को देते। वो क्या है, एक इंस्टीट्यूट है विच इज स्टैंड फॉर चाइल्ड लेबर, जो किसके लिए है, चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजूरी के लिए है, जिसे हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड लेबर बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गुड वेव्स इंटरनेशनल। वो जो इंस्टीट्यूट है वो गुड वेव्स इंटरनेशनल की तरह भी जाना गया है। दे मेक क्लोथिस, वो क्या बनाते, क्लोथिस यानी कि कपड़े बनाते। दिस इंस्टीट्यूट हेल्प्स टू एबोलिश द चाइल्ड लेबर। वो इंस्टीट्यूट किस में मदद करते, चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने में, एबोलिश यानी कि उसे नाबूद करना चाहती है, जो बाल मजूरी होती है उसे ख़त्म करना चाहती है। इन तमिलनाडु वीवर्स वीव्स फाइबर ऑफ बनाना एंड मेक सारीज। तमिलनाडु में वीवर्स यानी कि जो बुनकर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, फाइबर्स यानी कि बनाना में से रेशे निकाल के उसका क्या करते हैं, साड़ी बनाते, किसमें, तमिलनाडु में। मम्मी रियली वंडरफुल, गुड जॉब वसंत। मम्मी ने क्या बोला, बहुत अच्छा काम कर रहे हो वसंत। वसंत सेड ये, थैंक यू आंटी। कार्तिक, लेट्स गो टू द लास्ट सेक्शन मम्मी। कार्तिक ने क्या बोला, चलो हम लास्ट सेक्शन में चलते। कौन सा था लास्ट सेक्शन इनका, हेल्थ सेक्शन जो था लास्ट सेक्शन था। तो मम्मी ने क्या बोला, श्योर। दे रीच द हेल्थ प्लस सेक्शन ऑफ साइंस प्रोजेक्ट। वो कहाँ पे पहुँचे, हेल्थ प्लस सेक्शन में पहुँचे, जहाँ पे साइंस प्रोजेक्ट था। कार्तिक सेड, हेलो अंजना, व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट अबाउट। तो कार्तिक ने क्या बोला अंजना से कि तुम्हारा प्रोजेक्ट किस बारे में है। अंजना सेड, हे कार्तिक, हेलो आंटी, माय प्रोजेक्ट इज़ अबाउट हेल्थ इज़ वेल्थ। तो उसका प्रोजेक्ट क्या था, उसके प्रोजेक्ट का नाम क्या था, हेल्थ इज़ वेल्थ यानी कि स्वास्थ्य ही संपत्ति है, स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। तो उसने क्या, हर्ब्स एंड स्पाइस डू मोर देन एड फ्लेवर टू डिश। अब देखो, हर्ब्स एंड स्पाइस यानी कि मसाले और जड़ी बूटी, तो वो क्या करते, खाने में सिर्फ फ्लेवर ही नहीं और भी बहुत सारा ऐड करते, बहुत सारा काम करते हमारे लिए, मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए। स्पाइस एंड हर्ब्स आर रियली वेरी यूजफुल फॉर अवर बॉडी, सी द चार्ट। तो उसने क्या बोला, स्पाइस और हर्ब्स हमारे
हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। जड़ी बूटी और मसाले हमारी बॉडी के लिए बहुत ही यूज़फुल और वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सी दिस चार्ट। अब यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है, उसे देखते हैं। स्पाइसेस और यूजेस, यहाँ पे मसाले दे रखे और यहाँ पे उसका यूज़ दे रखा है, यानी कि वो किस काम में आते। जिंजर डिक्रीजेज मोशन एंड सिकनेस। तो जिंजर यानी कि अदरक, तो वो क्या करता है, उसका यूज़ क्या होता है कि जब हम यात्रा के टाइम पे हमें जो बीमारी होती है यानी कि हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, तो उस टाइम पे वो हमारी हेल्प करता है, यानी जिंजर उसे कम करने में हमारी मदद करता है। उसका उपयोग हम इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि वाहन यात्रा के टाइम पे बीमारी को कम करने के लिए जिंजर का यूज़ कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, इलायची। द ऑयल ऑफ कार्डमम सीड्स इज़ यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ टूथेक। तो इलायची का यूज़ क्या है, कार्डमम सीड्स यानी कि इलायची के बीज, तो उसका जो तेल होता है, ऑयल यानी कि तेल, वो किस में यूज़फुल होता है, दांत के टूथेक यानी कि दांत के दर्द में उसका ट्रीटमेंट के लिए उसका यूज़ होता है, किसका, इलायची के ऑयल का, सॉरी इलायची के बीज सीड्स यानी बीज के तेल का यूज़ उस तरह दांत के दर्द के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, शतावरी। इट्स लीव्स बॉइल्ड इन ऑयल आर यूज्ड फॉर मसाज इन ब्रेन डिसीज। तो शतावरी का यूज़ क्या है, उसके पत्ते लीव्स यानी कि उसके पत्तों को ऑयल में बॉइल्ड यानी कि उबाल के उसका यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं, ब्रेन डिसीज़ के लिए यानी कि दिमाग की बीमारी के लिए हम उसका मसाज करके उसका यूज़ कर सकते हैं, किसका, शतावरी के। लास्ट क्या है, गार्लिक डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। गार्लिक यानी कि लहसुन, वो क्या करती है, कैंसर सेल्स यानी कि कैंसर की प्रॉब्लम को ख़त्म करती है। तो देखो बच्चों, आपको इन मसालों के यूज़ समझ में आए कि आप इस तरह से इन मसालों का यूज़ इस काम में कर सकते हो, तो वो सिर्फ हमारी बॉडी को ही नहीं और भी हमारे हेल्थ इश्यूज़ हो तो उसमें भी हमारी हेल्प करता है। मम्मी अंजना रियली अ गुड वर्क, आई एम वेरी हैप्पी टू नो बिकॉज आई कैन यूज़ ऑल थिंग्स फॉर माई फैमिली हेल्थ, थैंक यू सो मच। तो मम्मी ने क्या बोला अंजना से कि बहुत अच्छा काम कर रही हो, मुझे बहुत जान के बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें अपनी फैमिली के हेल्थ के लिए यूज़ करने वाली हूँ, थैंक यू सो मच अंजना, माई प्लेजर आंटी, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई। कार्तिक लेट्स गो मम्मी, वी विल ट्राई टू मेक टेरेस गार्डन विद द यूज़ ऑफ हाइड्रोपोनिक्स मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। तो कार्तिक ने क्या बोला कि चलो मम्मी, हम घर पे जाके टेरेस गार्डनिंग के लिए हाइड्रोपोनिक्स मेथड का उपयोग करके उसे ट्राई करेंगे घर पे। तो मम्मी ने क्या बोला, मम्मी सेड व्हाई डू यू फॉरगेट बनाना एंड बाम्बू, तो तुम बनाना और बाम्बू को कैसे भूल गए। कार्तिक सेड यस इट्स राइट, वी विल ऑल्सो ग्रो मोर ट्रीज एंड प्लांट्स, हम क्या करेंगे उस और भी बहुत सारे पेड़ और पौधों को उगाएंगे, दे आर यूजफुल, वो बहुत ही उपयोगी है। मम्मी सेड रियली थैंक यू कार्तिक बिकॉज यू गेव मी चांस टू नो मोर अबाउट इट्स नेचर एंड इट्स ब्लेसिंग्स। तो मम्मी ने कार्तिक को थैंक यू बोला, क्यों बोला थैंक यू, क्योंकि तुम्हारी वजह से तुमने मुझे मौका दिया कि मैं नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में और भी जान सकूं, क्योंकि वो एग्जीबिशन जो था वो किसका था, कार्तिक का था, और कार्तिक अपनी मम्मी को साथ में लेके गया, तो इसकी वजह से मम्मी को भी पता चला ना कि हम कौन कौन सी चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते, इसलिए मम्मी ने क्या बोला, उसे थैंक यू बोला, किसे, कार्तिक को। तो बच्चों आप लोगों को भी इसमें सीखने को मिला ना, तीन सेक्शन में, एनवायरनमेंट, हेल्थ और एग्रीकल्चर, तो हम किन चीज़ों से क्या क्या इस्तेमाल कर सकते वो इसके बारे में आपने जाना। अब आप लोग ट्राई करोगे अपने घर पे ये चीज़ें, ठीक है। तो अब हमारी एक्टिविटी 5 ख़त्म हुई यहाँ पे। अब देखो बच्चों एक्टिविटी सिक्स देखो, ए में आंसर द क्वेश्चन, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे, 10 क्वेश्चंस दे रखे, उसके आंसर लिखने। देखो वेयर वॉज द साइंस फेयर हेल्ड, यानी कि साइंस फेयर कहाँ, विज्ञान मेला कहाँ पे था। फिर सेकंड क्या है, हु विजिटेड द साइंस फेयर, यानी कि साइंस फेयर में कौन गया था। गिव द नेम ऑफ द सेक्शन इन द साइंस फेयर, यानी कि साइंस फेयर में कितने सेक्शन थे उनके नाम लिखने। Who took part in science fair? Science fair में किसने पार्ट लिया था। How are trees useful to us? मतलब हमारे लिए पेड़ किस तरह से यूज़फुल है।
नेक्स्ट कौन सा है, वाई शुड वी ईट बनानास, यानी कि हमें बनानास क्यों खाने चाहिए, यानी केले क्यों खाने चाहिए। वॉट वाई इज़ द बाम्बू अ वंडरफुल ट्री, बाम्बू बहुत ही अद्भुत पेड़ क्यों है। वॉट इज़ द हाइड्रोपोनिक्स मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, तो हाइड्रोपोनिक्स मेथड ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, ये मैंने बताया था ना आपको तब कि हाइड्रोपोनिक्स मेथड क्या होता है। वाई डू वी नीड टेरिस गार्डन, हमें टेरिस गार्डन की ज़रूरत क्यों है। विच आर द यूजेज ऑफ बनाना, यानी कि बनाना के उपयोग बताने। तो अब देखो बच्चे, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मैंने जो अभी पढ़ाया उसमें से आपको मिल जाएंगे। तो ये क्या करना है, आपको अपने खुद से लिखने हैं इसके आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्या, अब देखो इसका भी देखो, मेक अ लिस्ट ऑफ यूजेस, हमें क्या बनाने है, इसकी यूजेस की लिस्ट बनानी है। नेम ऑफ द प्लांट्स और ट्री, यहाँ पे प्लांट्स और ट्री के नेम दे रखे, देखो बाम्बू और बनाना ट्री। यूज इन द थिंग्स गिवन इन द डायलॉग, अब यहाँ पे जो आपको बाम्बू के जो यूजेस बता रखे थे ना डायलॉग्स में, जैसे कि टू बिल्ड ब्रिज, टू मेक फैंस, राफ्ट, फिर फर्नीचर, इस तरह से दे रखा था, तो वो आपको यहाँ पे लिखने, जो आपको इसमें चैप्टर इसमें टॉपिक में दे रखा है वो, और बनाना ट्री का भी जो दे रखे यूजेस वो आपको इसमें लिखने। और देखो सेकेंड वाले कॉलम में आपको क्या बोला है, यूजेस इन द थिंग्स यू हैव ऑब्जर्व, यानी कि आपको इसमें क्या लिखना है, जो आपने ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी कि आपने बाम्बू का यूज किस तरह से होते हुए देखा है वो आपको लिखना है। टू मेक हाउस, जैसे घर बनते हैं आपने देखना है बाम्बू से घर भी बनाते, तो इस तरह से आपने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी हो, यानी कि देखी हो कि बाम्बू से इन चीज़ों में बाम्बू का इस्तेमाल हुआ है, तो वो आपको इसमें लिखनी है। और नीचे सेम बनाना ट्री का भी किस तरह से आपने यूज होते हुए देखा है वो आप इसमें लिख सकते हो। तो वो आपको क्या करना है, ये चारों जो कॉलम है वो आपको अपने आप से खुद से भरने, ठीक है। अब देखो इसका सी देखो, वॉट डिड कार्तिक एंड हिज मम्मी वॉच एट साइंस एग्जीबिशन, यानी कि कार्तिक और उसकी मम्मी ने साइंस एग्जीबिशन में क्या देखा। राइट एंड रिपोर्ट ऑन इट, यहाँ पे हमें क्या करना है, कार्तिक और उसकी मम्मी ने एग्जीबिशन में क्या देखा उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। कार्तिक एंड हिज मम्मी वेंट टू द साइंस एग्जीबिशन ऑन 28 फेब, यानी उसकी मम्मी और वो कब गए थे, 28 फेब को गए थे। देयर वॉज 3 सेक्शन इन इट, फर्स्ट ऑफ ऑल दे, इस तरह आपको इतनी सी लाइन दे रखी है कि वो वहाँ पे गए थे, वहाँ पे 3 सेक्शन थे। फर्स्ट ऑफ ऑल दे, फर्स्ट सेक्शन में वो कहाँ पे गए थे, एग्रीकल्चर सेक्शन में गए थे ना, क्योंकि कार्तिक को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था इसलिए। तो आपको क्या करना है, जो आपने अभी टॉपिक पढ़ा उसका पूरा रिपोर्ट आपको इसमें लिखना है, ठीक है। तो एक्टिविटी 6 के हमको ABC तीनों अपने आप से लिखने, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक्टिविटी 4, 5 और 6, तो उसका होमवर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।